स्वागत करती हूँ कामया ऑफिशियल में। कहाँ जा रहे हैं? भोज खाने। कहाँ? पार्टी में। हम लोग जा रहे हैं भोज खाने के लिए। कहाँ जा रही है रबिया? भोज खाने। भोज खाना पसंद आता है? हाँ। दोस्तों से बात कर लो। बोलो दोस्तों, चलिए भोज खाने। चलिए भोज खाने। अच्छा बात बोलिए ना। टेबुल पर पैसा जाता ही ना कह रहा है। खिला दो इसमें। अभी तो रुको, अभी का गाड़ी बाबा। ये सरकार सतर रही है। तुम खुद खा ली। खुद खा लो। तो खा लीजिए दोस्तों। कैसा लगा भोज खा के? हम लोग अब आ गए हैं रूम के पास में। अब जा रहे हैं रूम, भोज खा लिए हैं। हाँ आ गए हैं हम लोग अपने अपने रूम। गुड नाइट दोस्तों। अभी मैं कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत सारी चीज़ दांत में फंसी रह जाती है। जैसे कि मैं शाम में नाश्ता की तो मेरे दांत में भी बहुत सारी चीज़ ऐसे लगी रह जाती है जो कि पानी पीने से भी नहीं हटती। अगर हम ब्रश कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो पहले मैं भी ब्रश नहीं किया करती थी रात को, क्योंकि हमें बहुत आलस आने लगती थी। लगता था कि अब खाना वाना खा लिया, अब सो जाते हैं। लेकिन अब मैं ब्रश करने लगी हूँ। पहले जो मेरा मन करता था वो मैं काम करती थी, अब जो मेरे लिए सही रहता है मैं वो कम करना शुरू कर दी हूँ। तो अभी भी मेरा मन कर रहा है कि बहुत खा लिए हैं, जाके सो लेते हैं। लेकिन हम सोचे नहीं, पहले ब्रश कर लेते हैं उसके बाद सो जाएंगे। तो ये मैं ब्रश कर लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम सोने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी डायरी लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो ना चाहते हुए भोज में बहुत ज़्यादा खिला जाता है, क्योंकि भोज बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो हमें जो भी खाना मिलता है उसके लिए हमेशा उसे धन्यवाद करना चाहिए, जहाँ से भी हमें मिलती है। क्योंकि खाना के लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमें उसी से जीवन मिलती है। हमें 24 घंटा अगर खाना ना मिले तो कितनी ज़्यादा भूख लग जाती है, हमें कितनी बेचैनी हो जाती है, कुछ भी करने में मन नहीं लगता है। तो जहाँ से भी हमें भोजन मिलता है उसके लिए हमें हमेशा उस चीज़ को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उसी पर हमारा जीवन चल रहा है। हम खाना के लिए ही इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।